किसान साथियों, कटिंग का काम पूरा हुआ और ये देखिए पत्ते टूट टूट रहे हैं। अब मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन थी, ये लास्ट वाली मेरी, इसमें हमने यूरिया का स्प्रे नहीं किया था। देखिए, तो इसमें ध्यान से देखो आप, इसके कल्लों को देखो, इसको तो इसमें कल्ले बहुत कम नज़र आ रहे हैं। जैसा ये है एक कल्ला, ये देखिए, ये किसी भी पौधे में देखिए, ये हमने चूंकि उड़द थे कि कहीं हमारे उड़द को नुकसान न हो, तो हमने इसमें, मेरे नौकर ने कहा कि जी इसमें नहीं करते हम यूरिया का स्प्रे, इसकी हमने कलियाँ तोड़ी थी। ये देखिए, इसमें कुछ कलियाँ कल्ले नज़र आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। अब आइए मैं ये दिखाता हूँ कि जहाँ पर हमने यूरिया का स्प्रे किया था, ये देखिए, ये यूरिया का स्प्रे वाला पेड़ था। अब आप इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे इसमें साफ तौर पर कल्ले नज़र आ रहे हैं, कहीं भी देख लीजिए आप, ये देखिए। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए, ये यूरिया का स्प्रे भी आता, ये देखिए कितने कल्ले नज़र आ रहे हैं, बड़ी साफ तौर पर दिख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो जैसा हमारे गुरुजी बताते हैं जैन साहब कि 25 दिन में कल्ले निकल आएंगे, तो साथियों ये कटिंग हुई है मेरी 1-2-3 तारीख को। तो अब हम देखेंगे, देखिए कितने बड़े बड़े कल्ले हैं, सभी में जो मोटी शाखाएं हैं उनमें भी कल्ले आ रहे हैं, आप देखेंगे ध्यान से, तो सब में कल्ले नज़र आ रहे हैं। तो ये मेरा अनुमान रहा कि ये देखिए कि अगर हम यूरिया का स्प्रे करते हैं उससे हमारा समय भी बचता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे क्या लगा इसमें यूरिया के स्प्रे में, 15% का किया तो मुझे लगता है कि पहली बार में 20% का करना चाहिए, कि जो इसके ऊपर की जितनी भी हरी वाली शाखा थी इसके ऊपर की, तो उसको हमें पता चल गया हमें कहाँ से काटना है, तो उतनी शाखा अपने आप ही ख़राब सी हो जाती है, मतलब सूख जाती है, जल जाती है एक तरह से। और बाकी देखिए, ये मुझे तो ये लग रहा है कि इधर जो है कल्ले ज़्यादा निकलेंगे इसमें, तो ये मैंने कुछ पेड़ों पर देखा है तो वहाँ पर मेरे को काफ़ी कल्ले नज़र आए हैं उसमें, ये देखिए। तो जो मात्रा है निकल रही है कल्लों की, तो ये देखिए, बल्कि इनमें ये कल्ले जो ध्यान से देखो, ये मैंने काट दिए, नहीं तो ये देखिए पूरी डंडी पर देखिए आप, जबकि इसकी कटिंग आज ही सुबह हुई है, ये 1-2-3-4 लाइन बची हुई थी। तो अब ये पूरा खेत देखिए मेरा कितना अच्छा लग रहा है, और मैंने इसमें COC का स्प्रे, बस दो लाइन बची हैं, ये हो गया है, और अब मैं इसमें फाइनल काम करा कर दी एंड करूँगा। अब मैं आऊँगा लगभग 15 दिन बाद इसका अवलोकन कर। किसान साथियों, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मैं अब खेत के बीच में होता हूँ ताकि आपको फिर याद रहे इस बात का। ये देखिए कितने बढ़िया कल्ले, ये मेरे जो खेत है इस तरफ देखिए, ये ईस्ट साइड है पूरब की और ये वेस्ट साइड है, तो ये हाफ मैंने कर लिया है। यहाँ से आप ड्रिप देखेंगे, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, तो इसमें ये मैंने हाई डेंसिटी की लाइन रखी है, 1-2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 लाइन मैंने हाई डेंसिटी की रखी है, जो 8x5 पर है। किसान साथियों, अगर आप देखेंगे ना, मुझे पता नहीं इस कैमरे में दिखाई दे रहा, ये कल्ले देखिए आप, मतलब किसी भी पेड़ को देखो तो भरपूर मतलब कल्ले नज़र आ रहे हैं। देखो एक और मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये सब जो है ना इतने बढ़िया उस पर है, ये सब यूरिया वाले स्प्रे की और ताओ का कमाल है। एक वैज्ञानिक ने मुझे बताया था कि अमरूद में ताओ देने की ज़रूरत नहीं है, कि ज़्यादा खुदाई वुदाई नहीं करनी, हल्की सी कर कर बस आपको क्रॉप रेगुलेशन करना है, यानी एक फसल को रोकना है। चलिए जो भी है, हमें तो जैन साहब ने ताव देना सिखाया है, तो फरवरी से मैंने पानी बंद कर दिया था। ये मेरी 6 लाइन बताई थी मैंने, 5-5 फीट पर है और ये L49 है। किसान साथियों, इधर आप देखेंगे मेरे पूरे खेत में, मेरे पास 7 लाइनें हैं, ये
जो 5 फीट पर हैं, ये देखिए। और मैंने इनमें बीच में ये जैसा पहली लाइन है, एक लाइन करके मैंने 15-15 फीट पर कर दिया है, ये देखिए। किसान साथियों, मेरे खेत में 9 वैरायटीज़ हैं। आज मैं उनकी आपको नाम गिनाता हूँ और मैं अब की बार उन सब के अमरूद भी दिखाऊंगा आपको। मेरे पास वैरायटी हैं, ललित है, बर्फ खान है, जी विलास है, L49 है। मैं वैरायटी 3 लाया था और बर्फ खान ललित में मिलकर आ गया नर्सरी के। उसके बाद जो पिछले साल मैंने लगाई हैं वो लगाई हैं धवल है, श्वेता है, अलाबादी सफ़ेदा है, और ये देखिए ये पेड़ है थाई 1 kg। बहुत इस पर कल्ले आ रहे हैं, ये थाई 1 kg है। ताइवान पिंक है, ताइवान पिंक में क्लोन भी है और मेरे पास ग्राफ्टिंग वाला भी है। तो ये देखिए, अब मैं पूरे घूम जाता हूँ अपने खेत में बीच में खड़ा होकर। ये देखिए, ये मेरे पूरे खेत का अवलोकन है। बिल्कुल गंजा हो गया खेत, लेकिन पेड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं कटिंग के बाद, ये देखिए। अब किसान साथियों, कल के बाद 3 दिन बारिश बताई है, और अगर बारिश अच्छी हो गई तो ठीक है, फिर मैं इसमें पानी दिलाने आऊँगा एक बार पूरे में। मैं नल से पानी दूंगा, नाली से पानी दूंगा, एक बार खेत को भरा दूंगा, तो सब कल्ले निकल आएंगे और बाद में पानी देंगे। ये देखिए, ये मेरी 3 लाइन है जो मैंने दिखाई थी, कितनी साफ़ हो गई आज। ये ताइवान पिंक है मेरे पास में, जो ग्राफ्टिंग वाला है, जय श्री नर्सरी से आया था। और ये थाई 1 kg है, एक उसने VNR कहकर दिया था, इसीलिए मेरे से कोई भी पूछता तो मैं मना करता हूँ कि VNR नहीं होता। और ये उड़द है मेरे, देखो कितना अच्छा लग रहा। ये मेरी बाड़ है जो पास में थी, ये देखिए। और ये पूरा आप जो है, अब की बार देखते हैं कितनी आमदनी होगी, और मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।